बदतमीजी और बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करती, ये गाजियाबाद पुलिस है, बैठकर तमाशा देखती है। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई बदसलूकी, चालान काटने पर युवक ने बदतमीजी की हदें की पार। बदतमीजी और बदसलूकी के बाद भी गाजियाबाद पुलिस खामोश है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से एक घटना सामने आई है जिसमें चालान करने को लेकर बदसलूकी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो युवक है वो हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी भैया कहा जाता है और उसके समर्थकों द्वारा किस तरह से ट्रैफिक पुलिस को धमकाया जा रहा है। दरअसल चालान काटने के बाद कुछ इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं ये पिंकी भैया हैं, जिससे शायद गाजियाबाद पुलिस डरती है। आपके पास एक आदेश आया होगा पीछे से व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमें दिखा दें। आपको आदेश मिलते हैं साहब के पास। एसपी ट्रैफिक का बात कर, एसपी ट्रैफिक का बात कर, जो जय माता दी। अच्छा अच्छा कर रहा है, फोन कर हमारी बात, फोन कर, फोन करता हूँ ना, तू इंस्पेक्टर बुला, तू किसी को बुला, जो कह रहा हूँ ना वो सुन। भैया जी जय माता दी, मैं कैसे कर दिया ये माने, अरे योगी को बुला। हाल ही में पुलिस विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने चालान अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, उसी के चलते धार्मिक निशान वाली गाड़ियों का चालान करने पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी भैया और उनके समर्थकों ने पुलिस से बदसलूकी करना शुरू कर दिया। साथ ही मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की और अभद्र तरीके से बात भी की। पुलिस को सरेराह धमकाया गया और सरकारी काम में बाधा भी उत्पन्न की गई। सरेआम कानून को हाथ लेने वाले के खिलाफ अभी तक गाजियाबाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इतनी अभद्र और कानून को तोड़ने के बाद भी गाजियाबाद पुलिस पिंकी और उसके चेलों पर एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस तरह की बदसलूकी जो कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हो रही है, उसके बाद भी गाजियाबाद पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिजिटल डेस्क 12 समाचार।